ते यमला पगला दीवाना मैं चट यमला पगला दीवाना ओ रब्बा किसी बात की न जाना के मन प्यार कर दी है साते उते बोल रही है के मन प्यार कर दी है साते उते बोल रही है मैं चट यमला पहले भी कहीं देखा है आप में यारू बरू पर देखा है और हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में तुमसे मैं जवां तुमसे मैं जवां तुमसे मैं जवां तुमसे मैं जवां चाहिए प्लीज वेलकम हेमा जी एंड धर्म जी बट ईशा ने जो परफॉर्म किया है माय गॉड इनक्रेडिबल थैंक यू वाओ मैंने सोचा ही नहीं था भाई मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया माय गॉड इट इज माइंड ब्लोइंग लवली मुझे आज इसको इस लड़के के रूप में देखकर बड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा लड़का मेरा होता तो ऐसे ही होता सेम रियली यू डांस्ड सो वेल यमला पगला दीवाना परफेक्ट एकदम धर्म जी देखेंगे खुश हो जाएंगे इट्स अ प्लेजर ऑलवेज you know, playing my father, and I mean, with all due respect, it's not easy, but it's in my blood. Yeah, but oh yes, you can see. Or कोई कर नहीं सकता. और वाकई में ये इतनी iconic love story है हेमा मालिनी जी की और धर्मेंद्र जी की. The most good-looking woman, the most good-looking man. Oh my God! इस couple के लिए एक बार जोरदार तालियाँ. आपकी इस लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई शुरुआत कैसे शुरुआत ये गाना अभी जो हमने किया आपको पहले भी कहीं देखा है आई थिंक ये गाने से हुआ क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि ये गाने पे दोनों को क्रश था एक दूसरे के ऊपर मगर बोल नहीं पाए कहीं देखा है पहली बार हम दोनों एक दूसरे को देखा इस गाने पे क्योंकि वैसे फोटोग्राफ्स वगैरह देखा था तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग हो रही थी तो फर्स्ट शूटिंग इसी के साथ इस गाने के साथ सो द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम एंड ही आल्सो सॉ मी फॉर द फर्स्ट टाइम सो वी वेर वेरी एक्साइटेड टू सी ईच अदर एंड परफॉर्म डांस करना था यू नो इसके ऊपर पूरा वेस्टर्न डांस तो वो भी किया था तो वो पूरा एक रिमेम्बरेंस मेमोरी है सो शी नोज अबाउट इट बड़ी बात कही ईशा ने कि धर्म जी कह नहीं पाए हेमा जी कितनी खूबसूरत होंगी कि जब धर्म जी ने देखा और उनको क्रश हुआ तो वो कह नहीं पाए मतलब धर्म जी वॉज नॉट एबल टू से इट माइंड ब्लोइंग जेन्युइनली इस कपल के लिए जोरदार तालियां मैं जाके ईशा बन के आती हूँ ओके फुली एक्साइटेड वेरी गुड टू गुड सुपर्ब
और अब परफॉर्म करने आ रही हैं विदिप्ता चक्र बोर्ड थी साथी चल लुकिंग सो ब्यूटीफुल थैंक यू बिल्कुल मम्मी की तरह थैंक यू मम ऑल द बेस्ट थैंक यू You are excellent. Thank you, ma'am. गाना बहुत सुंदर गाया उसमें वो लता जी जब कहते हैं ना everybody तो I used to love that what she used to say you know लता जी की आवाज में तो similar you also did बहुत बहुत अच्छा था. ये ड्रेस तुम्हें बहुत ही अच्छा सूट भी कर रहा है. Thank you. वो पूरी याद मुझे वही जो नसीब में मैंने किया वैसे ही लग रहा है. थैंक यू मैम. बहुत ही सुंदर भी लग रही है. आपको कुछ ऑफर सो आया होगा ना एक्टिंग के लिए भी? यस मैम. एक शब्द में अगर आपको मना करना है एक्टिंग थोड़ा हम दोनों के बीच में हाँ जो एक बहुत ही फेमस डायलॉग इनका है एक शब्द में अगर आपको मना करके यू नो कहना है तो क्या कहोगे आप? नहीं नहीं. मैं तो बचपन से सुनती आई हूँ क्योंकि जब भी हमें किधर जाना था कुछ दोस्त लोग से मिलने जाना था तो मम्मी खाली एक ही शब्द कहते थे नहीं. Now let's have the
ओरिजिनल नहीं। अब ओरिजिनल जी। अभी विलन आ रहा है पास में, नहीं वो नहीं, ज्यादा पॉपुलर हो गया। ये सब सुन के ना मुझे तो सीता और गीता की याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये विदिप्ता तो एकदम सिंपल स्वीट, यू नो, सीधी सादी सीता की तरह है। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर भी ना 100% एक गीता छुपा हुआ है, है ना? हाँ। चिल्लाती है कोई, अनादी है कोई। वैसे सीता और गीता में एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जहाँ पे हेमा जी वो पंखे पे, हाँ हाँ हाँ, और मनोरमा जी नीचे से कह रही है नीचे आजा बेटी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऊपर आजा मोटी। विदिप्ता आज कर लेना ये सीन प्लीज, कम ऑन, हो जाए विदिप्ता। विदिप्ता आप भी जाइए, रेडी होके आ जाइए। देखिए कितना सेफ्टी के साथ आप लोग आजकल ये ऊपर से हार्नेस सब मंगा के करते हैं। उस वक्त जब मैंने सीता गीता किया था ये सब नहीं था। ओह, तो बिना हार्नेस के किया आपने? मैं कैसे ऊपर ऊपर वहां से कोई कुछ फिक्स किया हुआ था, बड़ा ऐसा लग रहा था कभी भी गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं रमेश सीपी जी को बोलती थी कि आप पहले बैठ के दिखाओ, उसके बाद मैं करूंगी। तो हर डिफिकल्ट सीन्स का मैं बोलती थी कि आप करो पहले, आप करके दिखाओ। तो बसंती का टांगा भी मैंने बोला आप चलो पहले। अभी एक्टिंग नीचे से कौन करने वाला है? ओह या वेरी गुड। अरे बेटा नीचे आ जाओ बेटी, ऊपर आ जाओ मोटी। सीता बेटी हम तेरे चाचा और चाची हैं। सूरज तो चमचा और चमची लगते हो। देखो अगर तुम सीधी तरह नीचे नहीं उतरोगी तो मैं पंखा चला दूंगा। अरे रे 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 रे, नीचे बोलते हो, नीचे आ जाते हो। आओ फिर। अरे आओ, अरे देर किस बात की, आओ। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ आओ। कुर्सी की पेटी खोल दीजिए। सुपर। ओ बाबू समझे क्या? पेटी। थैंक यू विदिता, बहुत अच्छा किया आपने। हेलो मैम, कैसे हो? एक तो बहुत बढ़िया हूँ मैम, बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है। यस मैम, आपको जब इसके पहले भी देखा था तो उसी से मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी। अच्छा, इसके पहले? जी हाँ, इनको मैं मिली थी, हमारे घर आए थे मुझे पिकअप करने के लिए, शो में लेकर आए खुद। ओहो, मैं भी सरप्राइज हो गई थी इनको देख के घर में। तो एकदम जोरदार। वाओ, एंड व्हाट ए कार। जोरदार जोरदार। मैं शिवम और मैं हेमा मैम से मिलना है। थैंक यू सो मच। अरे पापा शिवम, आप? मैम मुझे यकीन नहीं हो रहा है आप मेरे सामने हैं, और मतलब मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। जब मुझे पता चला कि आप हमारे शो पे आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज दूं, और आज मैं खास आपको लेने आया हूँ। मुझे लेने के लिए आए हैं? माय गॉड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा है आप गजरों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं, तो ये खास मैं आपके लिए आज गजरा लाया हूँ। क्या बात है मैम, ये रही आपकी सवारी। इसमें? यस। माय गॉड, ओके चलो कम। वाओ, माय गॉड, ओके वाओ। हवा
के साथ साथ हमेशा से एक ख्वाहिश थी, एक सपना था आपसे मिलना। अच्छा। और यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपके सामने हूँ मैं। So nice. साथी चल। इस साल के बच्चे तो कुछ अलग ही हैं। Yes. मतलब अद्भुत, अद्वितीय। अद्वितीय करेक्ट है, बिल्कुल सही। अरे लेकिन शिवम एक बात बताइए यार, आज के समय में गजरा कौन देता है? इनके ख्याल भी वैसे, गाड़ी भी एकदम लाए और ड्राइवर भी एकदम हम उम्र में लाए थे यार। उस पूरी गाड़ी में सबसे छोटी हेमा जी ही थी। शिवम देखिए अच्छा गाना गाइए, और दरअसल सब हेमा जी से आशीर्वाद लेते हैं, आप हेमा जी को आशीर्वाद देके गाना शुरू। पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में जाओगे और भी मेरी परछाइयों में सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में हो दिल मचल जाएगा पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे पल में पिघल जाओगे पिघल जाओगे। Wow. Very nice. हवा के साथ साथ घटा के संग संग घटा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना ला 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 एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना उस पे अपना दिल भी है दीवाना अरे पर्वत से आके ना टकरा जाना तू बन के बादल ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू तू ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू
ओ साथी चल ला 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 हे हे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.